प्रणाम दोस्तों, आप सभी संगीतकारों को स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम कोर्ट के बारे में जानेंगे। कई सारे मित्रों की बहुत पहले से काफ़ी पहले से कमेंट आ रहे थे कि सर कोर्ट पर वीडियो बनाएं। जब भी मैं कोई भजन या गीत अपलोड करता था तो उसमें कोर्ट का प्रयोग मैं करता था, तो कई सारे लोगों के क्वेश्चन होते थे, सर कोर्ट क्या होता है, कोर्ट के ऊपर वीडियो बनाएं। तो आज के वीडियो में हम लोग कोर्ट के बारे में जानेंगे कि सातों स्वरों के कोर्ट क्या क्या होते हैं, और बहुत ही आसान टेक्निक से जानने वाले हैं। इतना इजी कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, कोई कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ भी इतना टफ नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है कोर्ट बनाना, आप खुद भी बना सकते हैं और एक ही कोर्ट से आपके बहुत सारे काम हो जाएंगे। मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं। तो वीडियो के साथ बने रहें और बड़े ध्यान से देखना है और समझना है, सीखना है। देखिए, वैसे कोर्ट बहुत सारे होते हैं, लगभग 22 प्रकार के कोर्ट बताए गए हैं जिनका प्रयोग वेस्टर्न में और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में होता है। लेकिन मैं आपको केवल 3-4 कोड बताऊंगा। उन 3-4 कोड में ही आप सातों स्वरों को किस तरीके से बजा सकते हैं, और सबसे ज़्यादा प्रयोग उन्हीं कोड का होता है। तो वीडियो के साथ बने रहें और आइए देखते हैं सबसे पहला कोड सा का। तो मैं आपको सबसे पहले शुद्ध स्वर के कोड बता रहा हूँ जो सबसे अधिक प्रयोग होते हैं, फिर इनको हम थाट के हिसाब से भी बना सकते हैं, वो स्वर रिप्लेस हो जाएंगे, आगे या पीछे खिसक जाएंगे। देखिए, सबसे पहले सा का कोड देखिए। जब भी हम गाना शुरू करते हैं, हारमोनियम बजाना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले सा पा का सम्मान लेते हैं। ओके, देखा होगा आपने, कोई भी सिंगल सा नहीं लगाता है। कोई भी गायक यदि प्रोफेशनल गायक है तो वो ऐसे कोड लगाता है, या फिर सा गा पा लेता है, या फिर सा पा लगाता है। सा पा का सम्मान सबसे बढ़िया सम्मान माना जाता है। अभी आप तानपुरा सुन रहे हैं, इसमें भी सा पा का सम्मान चल रहा है। जिसमें पा वर्जित होता है तो माँ के साथ सा का संवाद होता है, माँ वर्जित रहता है तो फिर सा और नी का संवाद रहता है। तो लेकिन सबसे ज़्यादा जो अच्छा संवाद माना जाता है वो सा पा का माना जाता है, उसके बाद सामने का। देखिए, तो इसलिए सा और पा का संवाद लेकर के ही कोई भी गायक शुरू करता है। यदि पा वर्जित है, जैसे मालकोंस में पा वर्जित होता है, तो वो सा माँ का संवाद ले सकते हैं। ओके, तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा राग कलाकार प्रस्तुत करने जा रहा है, उसके हिसाब से कोड का सिलेक्शन होता है। मैं आपको बेसिक कोड बता रहा हूँ। देखिए, बिलावल थाट जिसमें सभी स्वर शुद्ध होते हैं, तो एक बार सभी स्वरों को देख लेते हैं। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, सिंपल स्वर है। अब देखिए सा का कोड क्या रहेगा। सा का कोड जब भी मैं सा लगाऊंगा तो इसमें दो स्वर और हमें ऐड करना है, क्या रहेंगे देखिए, सा गा पा। तो सा का कोड क्या बनेगा देखिए, अभी आप सुनेंगे इसकी अगर ट्यूनिंग सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहीं भी बेसुरा नहीं हो रहा है, बिल्कुल सेट हो रहा है। सा ओके, जब भी हम किसी गाने में किसी शब्द पे रुकेंगे, यदि वो शब्द सा पे आ रहा है तो हमें ये कोड लगाना है। यदि उसमें गा भी लग रहा है, पा भी लग रहा है, तो फिर हमें सा गा और पा अंगूठा यहां रख सकते हैं और ऐसे लगाना है, ठीक है, या फिर ऐसे भी लगा सकते हैं। किसी किसी का अंदाज इस प्रकार रहता है, फिंगर्स ही लगाते हैं, अंगूठे का प्रयोग नहीं करते, तो आप ऐसे लगा सकते हैं, या अंगूठा भी आपका चलता है तो आप अंगूठा यहां रख सकते हैं गा पे और ऐसे लगा सकते हैं। तो जब भी किसी गाने में शुद्ध स्वर प्रयोग होंगे और यदि हम सा पे ही रुकते हैं, वो शब्द का न्यास सा पे आ रहा है, तो आपको ये कोड लगाना है। ओके, अब देखिए, वही शब्द यदि गा पे आ रहा है और शुद्ध स्वर लग रहे हैं तो आपको सा गा पा का ही लगाना है। उसी स्वर का न्यास यदि पा पे हो रहा है तो भी आप सा गा पा ही लगा सकते हैं। मतलब सा गा और पा, इन तीनों का कोड सेम ही होगा, सा गा पा। ओके, देखिए, सा रे ग मा पा, तो सा गा और पा तीनों का कोड सेम ही है, अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं आपको मेजर कोड बता रहा हूं जो सबसे ज्यादा प्रयोग होते हैं, बाकी बहुत सारे कोड है, कभी जब उस पर डिस्कस करेंगे तो आपको जरूर बताऊंगा सभी के बारे में, लेकिन जो अभी सबसे ज्यादा प्रयोग होते हैं जिनसे हमारा काम चल सकता है, मैं आपको वो बता रहा हूँ।
और ज़्यादातर आर्टिस्ट इन्हीं कोड को प्रयोग करते हैं। तो जो बिगिनर है और जो एडवांस लेवल के हैं, बिगिनर के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत आसान तरीके से वो सीख सकते हैं। बाकी इतना आप करिए, इसके आगे मैं और भी वीडियो बनाऊंगा कोड के ऊपर, तब आपको मेजर माइनर सभी बताऊंगा। तो देखिए फिर से, सा का कोड हो गया सागा पा सा, उसके बाद रे का देखिए, रे का होगा रे मा धा, ये वाला। जब भी हम रे पे न्यास करेंगे, किसी शब्द का न्यास रे पर होगा, तो हमें रे मा धा लगाना है, ओके। और जब भी हम माँ पे न्यास करेंगे तो भी हमें रे मा धा ही लगाना है, ठीक है। तो रे और माँ का कोट क्या हो गया, रे मा धा, ओके। चलिए आगे देखिए, सा रे गा का मैंने आपको बता दिया, गा पा। तो देखिए सा से पा तक आ गए हम लोग, सा रे गा मा पा, लेकिन कोट कितने लगे, मात्र दो, केवल दो कोट का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, सा गा पा और रे मा धा, और हमारे स्वर कितने हो गए, फाइव, ठीक है। आगे देखिए, मा का कोट रे मा धा हो गया, पा का हो गया सा गा पा, देन धा का आता है, धा का कोट क्या देखिए, मा धा सा, मा धा सा, देखिए सा रे गा मा पा धा, धा पे माधा सा हम ले सकते हैं, ओके। तो धा का कोड ये हो गया, इसके बाद में नी आता है, नी का कोड क्या देखिए, गा पानी भी ले सकते हैं, और या फिर रे पानी भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं, गा पानी भी हो सकता है नी का कोड, और रे पानी भी बन रहा है, देखिए सा रे गा पानी, बहुत अच्छे से ट्यून हो रहा है, देखिए नी या फिर नी, इस पे भी हो जाएगा, तो रे पा नी भी ले सकते हैं और गा पा नी भी ले सकते हैं, ओके। देन ऊपर के सा का देखिए, फिर से सा रे गा मा पा सा, तो सागा क्या बन रहा है, अब सागा में सागा पा नहीं लेना है, ये वाला ऊपर वाला लेंगे, पा ये हो गया, सा ये हो गया, गा ये हो गया, गा हम तार का लेंगे और पा लेंगे हम मध्य सप्तक का, सा ये नहीं लेंगे क्योंकि ये वाला सा हम लगा रहे तार सप्तक का, तार सप्तक का सा, तार सप्तक का गा और मध्य सप्तक का पा। तो सागा कोट क्या बन गया आपका, सा सा धा पा मा गा रे सा, देखिए सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। कितने कोड आपको याद करना है, सा गा पा, देन रे मा धा, देन मा धा सा, देन गा पानी या फिर रे पानी, देन पा सा गा पा, रे मा धा सा, गा पानी, सा पा गा। केवल आपको पांच कोड याद करना है, पांच कोड में आपको सातों स्वरों के कोड याद हो जाएंगे, ओके। और इस तरीके से आप ये कोड बना सकते हैं। दूसरी चीज में देखिए, जरूरी नहीं है कि यही कोट आप प्रयोग करें, जैसे एक ही गीत में यदि हम, जैसे सा पे यदि हम न्यास कर रहे हैं, सा का कोट हम ले रहे हैं, तो एक ही कोट कुछ आर्टिस्ट क्या करते हैं कि एक ही कोट बार बार नहीं लगाते हैं, जैसे सा पे ये लगा तो उन्होंने क्या कर लिया, ये नीचे का पंचम भी ले लेते हैं वो, जैसे किसी लाइन में सा पे उन्होंने न्यास किया किसी शब्द पे, तो एक में ये लगा लिया, दूसरे में फिर वो नीचे का लगा लेते हैं, ठीक है। या रेखा बन रहा है तो वो ऐसे कोड बना लेते हैं, रेखा यहाँ पे रेखा, हम ये वाला कोड बनाते हैं, लेकिन कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, इधर भी बना लेते हैं, एक लाइन में दूसरी लाइन को गाना है और उसी को भी रे पे न्यास करना है, तो फिर वो धा रे और मा
मंत्र सप्तक का ध ले लेते हैं यदि देवत लग रहा है मंत्र सप्तक का, तो वो उनकी समझ पर डिपेंड करता है। पहले आप इन बेसिक कोडों का अभ्यास करिए और इनको लगाने का तरीका समझिए, इनकी प्रैक्टिस करिए, इसके बाद में ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लग जाएगा कि हम और कौन कौन से कोड लगा सकते हैं और कौन कौन से कोड बना सकते हैं। ओके, ये मैंने शुद्ध का बताया आपको भी। इसके बाद इसमें माइनर का भी होता है जिनमें हम कोमल स्वरों का प्रयोग करते हैं, जैसे सागा पा का ये हो गया, अब कोमल का लगेगा तो फिर ये हो जाएगा, ये माइनर हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे गाने में कौन से स्वर प्रयोग हो रहे हैं। मैंने अभी आपको मेजर कोड बताए हैं, इनको आप अप्लाई करिए और इसे शामिल करिए अपने गाने में। पहले इनका अभ्यास करिए, उसके बाद में फिर आगे जो माइनर कोड है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए अलंकार, एक छोटा सा एक अलंकार लेते हैं। अरे गे ग इस तरीके से आप अभ्यास कर सकते हैं। पहले अलंकारों पर अभ्यास करिए, उसके बाद में फिर उसको अप्लाई करिए गानों में, भजनों में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसका अभ्यास करिए और अपने गीत में, अपने भजनों में इन कोडों को लगाने की प्रैक्टिस करिए। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए अंदाज में फिर से आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।